हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, इन गिवन फिगर ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट्स रेज फ्रॉम ए लेजर इज इंसिडेंट ऑन ए सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ इंडेक्स ऑफ डिफ्रेक्शन एन। सो ए, इफ ए पॉइंट इमेजेस इज प्रोड्यूस्ड एट द बैक ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन ऑन फिगर द स्फीयर। एज्यूम पैराक्सियल रेज। B. What index of refraction, if any, will produce a point image at the center of the sphere? तो पहले हम की कंसेप्ट लिख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या होगा? The refraction refraction in a media। तो ये कुछ ऐसा है, फर्स्ट ये स्फीयर है, कुछ वापस से सही से बना लेते हैं। और ये है, डिस्टेंस है 2r, एंड ये रेज आ रही है पैरेलली। तो u इक्वल टू है इन्फिनिट, इन्फिनिट आ रही है बिकॉज पैरेलल है। एंड ये ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जैसा बन रहा है एंड इसको कन्वर्ज कर रहा है ऐसा। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन पहले हम इसको पॉइंट आउट कर देते हैं। ये मीडियम n वन है, ये मीडियम एन टू है, एंड यू इक्वल टू एन वन इक्वल टू एन एयर इक्वल टू वन, एन टू इक्वल टू एन मीडियम इक्वल टू एन, यू इक्वल टू इन्फिनिट एंड वी इक्वल टू टू आर। तो इक्वेशन क्या होती है कि एन वन जो कि वन है डिवाइड बाई यू इन्फिनिटी प्लस एन टू जो कि एन है डिवाइड बाई वी इक्वल टू आर इक्वल टू एन माइनस वन बाई आर। तो यहाँ से जो ये क्वांटिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से एन बाई टू आर इक्वल टू एन माइनस वन बाई आर, तो आर टू आर कैंसिल आउट करते हैं, एन बाई टू इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये आएगा एन बाई टू इक्वल टू एन माइनस वन, और इसको सॉल्व करने पर हमें n इक्वल टू मिलेगा, वो मिलेगा 2.00, जो कि हमें रिफ्रैक्ट करवाने बैक एंड पे इस स्फीयर के बैक एंड पे इस पॉइंट रिफ्रैक्ट कराने के लिए n इक्वल टू 2 चाहिए होगा। अब b पार्ट क्या कह रहा है, ये सेंटर पे रिफ्रैक्ट हो जाए। तो ये स्फीयर है, ये रेज आ रही है और सेंटर पे, मीन्स ये डिस्टेंस कितनी होगी r। तो अब u इक्वल टू इन्फिनिटी है, v इक्वल टू हो गया r, एंड ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस n डिवाइडेड बाय r इक्वल टू एन माइनस वन बाई आर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। तो ये कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल कब होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसको पॉसिबल होने के लिए हमें या तो चाहिए एन इन्फिनिटी या चाहिए आर इन्फिनिटी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये होगा इम्पोसिबल। तो हो गया हमारा बी पार्ट। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।